समूह के नाम पर हो रहा है घोटाला, कराहल तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जानी हकीकत, बनाया पंचनामा। खबर कराहल से है, जहां आए दिन देखने को मिल रहा है कि कराहल क्षेत्र में गरीब आदिवासी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने जो योजना बनाई है, उन योजनाओं के रुपयों को संबंधित अधिकारी लूटने में लगे हुए हैं। ऐसी ही एक महिलाओं के विकास की योजना है स्वयं सहायता समूह, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न तरह की कार्य योजनाएँ लाई जाती हैं, जिसमें कि गरीब महिलाओं का जीवन यापन सम्मानपूर्वक चल सके। मगर भ्रष्टाचार का आलम यह है कि इन महिलाओं के हक का पैसा भी लोगों द्वारा बंदर बांट कर लिया जाता है। मगर खबर प्रकाशित होने पर आज कराहल तहसीलदार रवीश भदौरिया गौरस पहुंचे, जहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तहसीलदार से मिली और अपनी समस्याएं बताई। तहसीलदार भी समस्याओं को सुन आश्चर्यचकित हुए और कहा कि अगर ऐसा है तो बहुत गलत हो रहा है, गरीब अनपढ़ महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है। जय और मौके पर पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने की बात कही है और जांच के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। 50,000 रुपए लिए थे आपने? तो 1,00,000 पड़ रहे थे एक महीना को। 1,00,000 कौन कुमार, तुम्हारे अधिकारी भी नहीं कुमार है नहीं 1,00,000 तो है? जो कौन कुमार जानत, पूरी जनता रुहान दे सुनीता ना। अरे तुम न्याय की बात करती तो जनता कहीं नहीं उठती तो पे है? तो जनता उठती नहीं, पर तेना तो न्याय की बात नहीं करी, तेना तो जनता नू लुटान दे नू है जनता। फिर तो महिला कोई सी महिला पे पूछ लो कौन सी महिला कुमार रही थी 1,00,000 को महीना है? बापरी कुपाषण में जा रही थी, कोई जीरा टोड़ बजा रही, गुजरात में जा रही। अरे दिन खा लेगी रात को सांस हो, रात खा लेगी दिन को सांस हो है? गरीबन की पेट तो मत काट है नहीं है, पेट तो मत काट है। तुझे हो जैसी महिला ने समूह बता रही, तो 3 करोड़ को घोषणा करके गए थे मोदी। 3 करोड़ में से बता तुम जो हिसाब लियो, 3 करोड़ को वो बताओ तुम हिसाब के, जो 3 करोड़ के इतनी महिलाओं पर बापरी वो कर रहा। जब मैं ना सर मेरा नाम भी है तो मेरा नाम है, मैंने कही सुनीता मेरा नाम लिख लियो, मेरा नाम 3-4 समूह में से मेरा नाम हटा दाय। अब मैं ना कही नहीं सुनीता मुझसे कौन सी दिक्कत आ रही थी, मुझसे कौन सी परेशानी आ रही थी। मेरी सास मार गई तो मेरी सास को नाम भी नहीं जोड़े, मेरी सास खत्म हो गई जी, मेरी सास को नाम भी नहीं जोड़े। जो बात पर मैंने सच्चे लड़ाई लड़ी तो मैं मानने के लेके आ गई, मैं फीडबैक लेके है। जो कौन सी न्याय है वो तुम बताओ जनता। अजय वो अच्छी बात करेगो नहीं, बेईमानी नहीं करेगो नहीं। जी पे उंगली उठा रही थी जो इंदर गा से गई तेरे को चप्पल दाऊंगू, गुड्डी मैडम बुलाए तो गुड्डी मैडम भी आओ देसी आ गई है नी का है थी वा जिला सदर थी कौन है। हाँ वो बुला लाए तो बस मोदी के पैसा ने कोई बात नहीं आती, माना मोदी के पैसा की बात करी है। अरे हमें घुमा पर आ रहे वो मीणा सर जा मारा दस्खत नहीं कर सर। अब बताओ जब समूहारी का करेगी अपनी मेला कर दे दी तुम्हें लाद रही जो कौन को पर लाद राखी जो ये समूह जनता ने जो सुनी थी सुनीता तो जनता की का कौन सूंख रही थी बापरी जनता है, जनता कौन की का सूंख रही थी जी। वो जैसी बात बतानी चाहिए नहीं, मैं तो जो के वो चाह रही थी, मैं तो शर्म तो कोई वो नहीं है। अरे जो तो नहीं मैं तो अच्छी सच्चाई की लड़ाई लड़ दू, मैं बेईमान की लड़ाई नहीं लड़ू सुनीता की ना। ईमान धर्म पर चल रहे थे हम तो, ईमान से ईमान सी कहा गए हम तो। साल हो रजिस्टर और जो हमारी किताबी थी वहाँ पे रजिस्टर तो अब तक भी नहीं दवा, पैन कार्ड भी नहीं दवा अब तक भी अमन के लिए। और जो है तो आप 15,000 रुपया निकाल रहे और एक और मेरे साथ की मेला थे 1,50,000 मैंने निकाल ही नहीं अभी पैसा, तुम्हें पैसा कह के पैसा अब पता नहीं बाने निकाल रहे हैं क्या खून निकाल रहे हैं। रजिस्टर और किताब लेनी था तो वो ही लाई करवाई था जो नहीं है हिसाब किताब, मतलब ग्राम संगठ के पैसा कितना आ रहा है, कितना खा जा रहा है, खाने जा रहा ये भी बताओ। कितने रही है पैसा निकल रहे आ रहे हैं पता नहीं अमन को कह के पते अमन ना 50,000 लाई, 50,000 भरता है ब्याज से दो कैसे आंकड़ा अमन पा कह को पैसा 1,50,000 और 1,50,000 कह के को हां से पटांगा सुनीता ने कर्ज लाद रखा है। कितने जब 1,50,000 तो एक साथ जाएगा 15,000 15,000 सुनीता कौन है? सुनीता सहायता समूह का वो अध्यक्ष है क्या? ये क्या समूह वाला ना थोड़ा
सुनाओ चुनाव में सुनवाई नहीं करी गए दीदी फर्जी वोट डरवाद है फर्जी वोट के दे के के तुम तो बैठ जाओ तुम बैठ जाओ खड़ी हो तो मैं सुनवाई नहीं देवा अपनी ने करी मीना सर भी अबाक मिले वक्त है तो कहां से मैंने की अनपढ़ा ने की तो सुनवाई नहीं कर बाप पढ़ी लिखी मारेगी सुमारेगी अनपढ़ का सुमारेगी इन्हें देख को नहीं जाना कलर हां वो नहीं जाना अनपढ़ तो हमारा रजिस्टर करवाने पढ़ी लिखी जान तो सब हो जान कर वो तो पढ़ी लिखी नहीं तो गड़बड़ गड़बड़ का खोला कर रहा कुछ पढ़ी लिखी नहीं जो ही तो पागल बना रही पढ़ी लिखी अनपढ़ ने फर्जी दस्तखत करवा लेगी और फर्जी दस्तखत में जो अंगूठा ले लेगी और पैसा निकाल ला बापरी जनता मार रही किताब भैं बे बा कही रहती अमन को विभिन्न कार्यों से आयो मतदान केंद्र के भी सर आपने निरीक्षण किए कुछ महिलाओं ने भी सर आपको रोका है क्या मामला है सर इन महिलाओं का आज मैं मतदान केंद्र के भ्रमण के उद्देश्य में ये गोरस आया हुआ था तो यहाँ पे जो आंगनवाड़ी केंद्र गोरस इसके कैंपस में हमारे दो मतदान केंद्र है वहीं पर कुछ महिलाओं ने मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराने की कोशिश की मैंने उनकी समस्याएं सुनी मुख्यतः समस्या आजीविका मिशन से जुड़े हुए जो ऋण है उन जो ऋण जो किसी दूसरे पर्पज से लिए गए थे लेकिन इनको उसका लाभ कोई प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि ऋण की राशि जो है उसकी किस्त इनके ऊपर थोपी गई है ऐसी इनके द्वारा शिकायत की गई है इसी तरह इन लोगों के द्वारा मौखिक बताया गया है कि जो हमारे लिए जो लोन की सुविधा जो एक यहाँ पे संचालित प्राइवेट डेयरी है उसके नाम पर भी इनके नाम से लोन निकाला गया और उसकी राशि को कहीं ना कहीं खुरदोट किया गया उसकी जाँच हम लगातार कराएंगे बस यही कहना ऐसी सर तमाम सारी महिलाएं सर 52 समूह हैं और जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष और सचिव पे सर लेन देन के आरोप लगे हैं कुछ नोडल अधिकारी इसमें सर शामिल हैं महिलाएं सर जो गरीब हैं मुख्यमंत्री जी जो इनके लिए पैसा भेजते हैं उसको कहीं ना कहीं सर नोडल अधिकारी और अध्यक्ष सचिव इनका बंदरबांट कर रहा है सर इनके लिए सर आप क्या कहते हैं इनकी निश्चित रूप से हम जाँच कराएंगे पंचनामा हमने बना लिया है वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में भी ये बात लाएंगे और इसकी नियमित रूप से जाँच विधि पूर्वक किया करके जो संबंधित दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कराल तहसीलदार जी आज यहाँ आए थे आपके यहाँ पे समस्याओं को लेके आपकी क्या कहकर गए हैं आपसे पूछी जी सर के यहाँ पे क्या क्या चल रहा है यहाँ पे तो सब कुछ चल रहे थे हाँ प्राइवेट जी तो समूह के नाम को तो पैसे निकाले जा रहे थे प्राइवेट बता रही जी आपका नोडल अधिकारी देखने नहीं आता इन चीजों को कोई भी नहीं आता सर ना तो कोई पता ही नहीं यानी न पैसा बांटते ना कोई पता ही नहीं है नहीं सर अब तो रुपया से खेल चल रहा है हाँ से आगे अधिकारी ने तो इनकी मिली सरकार हैगी मिली भक्त हैगी तो बंदा आवा ही नहीं देनी ना गोरस में कौन आम देगी सर है कोई भी नहीं आते ना तो है तो और क्या कुछ कहना चाहती हो मतलब ये तो हम वो हड़ताल करिए नहीं मतलब इसलिए आया गया अधिकारी नहीं हमारी कोई नहीं सुनते है मतलब इतना बहुत गलत काम हो रहा है जो गांव में फिर लेकिन कोई वो नहीं करते है मतलब जागरूक नहीं है जो हाँ जे मतलब पहले नहीं आते थे जे बात की ना पूछते और पूछे तो मतलब जे आदमी भी मतलब बोलने नहीं देते हैं और मैं लान खा जे मतलब कोई बात कहते हैं तो ये कहता